आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। पलवल के गदपुरी गांव में क्यूब रूट फाउंडेशन द्वारा 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्यूब रूट फाउंडेशन की एक सराहनीय पहल है। इस मौके पर पलवल की जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सामुदायिक भवन या अन्य सामूहिक स्थान किसी भी गांव के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ताकि ग्राम समाज एकत्रित होकर किसी सामूहिक कार्यक्रम को मिलजुल कर आयोजित कर सके। इसलिए क्यूब रूट फाउंडेशन ने यह सराहनीय काम किया है, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। सुनिए पलवल जिला उपायुक्त नेहा सिंह को। जानते हैं कि एक गांव के लिए कम्युनिटी हॉल का क्या मायने रखता है। एक ऐसा एरिया, हमारे पुराने जमाने से आप देखें तो हर गांव में एक ऐसा एरिया जहां पर लोग मिलजुल कर अपना फंक्शन बना सके, कोई भी सामुदायिक कम्युनिटी का काम हो वहां पर कर सके, तो वो कितना महत्वपूर्ण होता है। तो आज मैं सबसे पहले तो क्यूब रूट्स फाउंडेशन का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने गाँव के बारे में सोचा। स्पेशली हम सभी जानते हैं, खास करके जब भी अधिग्रहण होता है, जब भी लैंड एक्विजिशन होता है, तो हमारे कितने किसानों का, कितने लोगों की जमीन जाती है, कई बार मुआवजे का इशू होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर सरकार एक्विजिशन नहीं करेगी तो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, रोड कैसे बनेंगे। तो एक देश के विकास में आप सभी का योगदान है कि आप अपनी जमीन देते हैं जाती है, उसमें विकास का कार्य भी हो, तो एक दोनों ही टीम के लिए, दोनों ही पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन होता है। तो आज जैसे मुझे मुझे ये पता है कि आप सभी गांव वालों को बहुत खुशी हो रही होगी कि ये जो हैंडओवर हो रहा है कम्युनिटी हॉल का। साथ ही साथ गांव के पंच सरपंच का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जमीन देकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, क्योंकि अगर सरपंच और पंच का कोऑर्डिनेशन ना हो तो कई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उन्होंने भी इसमें इंटरेस्ट दिखा करके और फाइनली इस प्रोजेक्ट को एक फाइनल रूप दिया, तो उसके लिए भी मैं इनको इनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। साथ साथ यहाँ पे जितने भी ग्रामवासी हैं उनका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाया। हम सभी जानते हैं कि क्यूब रूट्स फाउंडेशन कितने ही CSR के तहत काम करती है, स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चलाती है, इनके उस प्रोग्राम में भी मैं जा चुकी हूँ, रोड सेफ्टी के कई सारे इनिशिएटिव्स ले चुकी हैं, वहाँ पे भी मैं जा चुकी हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे जिला पलवल में स्पेशली जो गांव, जिन जिन गांवों से NHAI जाता है, आप और भी विकास का काम करेंगे और मिलजुल करके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम जितने भी हमारे जिले को और आगे बढ़ा सकते हैं, हम ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।